न्यूजीलैंड ने शनिवार को युगांडा के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की। इससे पहले वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच 12 जून को T20 विश्व कप 2024 का 26वां मैच खेला गया था। इस मैच में वेस्टइंडीज ने 13 रनों से जीत दर्ज की थी। मैच के दौरान कीवी टीम के घातक गेंदबाज टीम साउदे से एक ऐसी गलती हुई थी जिसकी सजा उन्हें अब मिली है। दरअसल न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज टीम साउदी को ICC आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ 18वें ओवर में आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस जाते समय उन्होंने गुस्से में हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर तोड़ दिया था। अब उन्हें इसके लिए ICC ने सजा सुनाई है। न्यूजीलैंड के 35 वर्षीय गेंदबाज इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। शनिवार को युगांडा के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 3 विकेट चटकाए। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 4 रन खर्च किए। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 1.00 का रहा। सऊदी को उनके घातक प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं न्यूजीलैंड ने युगांडा के खिलाफ शनिवार को खेला गया मुकाबला 88 गेंदों के शेष रहते हुए 9 विकेट से जीत लिया। इसके साथ टीम ग्रुप सी की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। उनके खाते में 2 अंक हैं। अब उन्हें अपना अगला मैच पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 17 जून को खेलना है। वहीं युगांडा 2 अंकों के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई है। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज 6-6 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। युगांडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 10 विकेट पर 40 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 5.2 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बनाए और 9 विकेट से मैच जीत लिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी को ICC ने फटकार लगाते हुए आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है। दरअसल उन्होंने आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस जाते समय गुस्से में हैंड सैनिटाइजर सस्पेंसर तोड़ दिया था।